चीज दिखाता है, लेकिन मीडिया सिर्फ उतनी ही बात क्यों दिखाता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये मुजरिम पकड़ा गया, बट उस मुजरिम का आगे क्या हुआ उसका उसका मीडिया कुछ नहीं दिखाता। मतलब कि स्टोरी को फॉलो अप नहीं करता और आगे आखिर मुजरिम को सजा मिली या नहीं मिली उस हद तक एंड तक जाके मीडिया आवाम को ये बताए क्या करे। इतने सारे मुजरिम, इतनी सारी कहानी हो रही होती है कि हम भी शायद ट्रैक रख नहीं पाते कि कौन सी चीज कहाँ तक जा रही हो, कहाँ पहुँच सके। एनीवेज आप जो बात करें सर, मसला ये है कि अगर आप चले ठीक है, आप छोटी छोटी मुजरिमों को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो इतने बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनके मुजरिमों का तो बताइए। जो अखबार में रोजाना चलता है कि आज 23 दिन हो गए, आज 24 दिन हो गए, आज 25 दिन हो गए, उन मुजरिमों का क्या होता है? वो उन्हें पकड़ा नहीं जाता। हम तो मर रहे हैं, हम तो आवाम है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन चले जो बड़े हादसात होते हैं उनका तो एटलीस्ट उनको दिखाना चाहिए। मसाइल से सिर्फ आवाम दो चार नहीं है, मीडिया भी दो चार है, मीडिया के लोग भी दो चार हैं। सर इसका मतलब ये है कि मीडिया तो सच दिखा रहा है, ठीक है जी, मीडिया सच दिखा रहा है, मीडिया को सच दिखाने पर लोगों को मारा भी जा रहा है, मीडिया के लोगों को। हम मीडिया के साथ हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि अभी हम मीडिया को इतना कुछ कह रहे हैं तो अभी यहाँ फायरिंग हो जाए, अभी हमें यहाँ मारा जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन हम भी तो हम आगे बढ़ के आपको आपके साथ हैं। मतलब आप कहेंगे कि जो है मीडिया ही एक वजह है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा? नहीं, मीडिया वजह नहीं है, लेकिन मीडिया वजह क्या है? मीडिया जो है वो जस्ट एक थोड़ी सी चीज को फोकस करता है, मीडिया एक थोड़ी चीज को उस चीज का एंड नहीं दिखाता। एंड दिखाए तो आवाम को पता चले कि हाँ जी इन मुजरिमों को सजा भी हो रही है या नहीं हो रही है। इन मुजरिमों को सजा होने से हमारा मुल्क तरक्की करने लगेगा? हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, लेकिन हमारी आवाम में करेज पैदा होगा, वो आगे बढ़ेगी और वो उन मुजरिमों को पकड़ने में हेल्प आप यहाँ पर ये भी ना। हमें ये भी पता है सर कि हम किसी मुजरिम को पकड़ के थाने में देते हैं तो वो मुजरिम 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए देके छूट जाता है। वो फिर सिस्टम की खराबी है ना, उसमें मीडिया को तो बुरा ना कहें। मीडिया को बुरा नहीं कह रहे हैं, बट मीडिया को हम सजेशन दे रहे हैं आवाम के भाई खुदारा इसको आगे तक परसू किया जाए और हमें इसका हल बताया जाए। ठीक है, मतलब कि मीडिया को कम से कम एक चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब एक हमें मीडिया रेगुलेशन बनाने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है कि हम कम से कम एक वसी पैमाने पे जो है तस्वीर को दिखाएं। मीडिया हमारी है, मीडिया हम लोगों के जो आप तासुरात ले रहे हैं, बट ये तासुरात लेने के बाद क्या करती है मीडिया? वो तासुरात लेने के बाद एक दिन का प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, खत्म हो जाएगी बात। मीडिया का वैसे आपको मैं डिफाइन कर दूं कि जो काम है वो सिर्फ आवाज उठाना है, उसको इम्प्लीमेंट कराना मीडिया का काम नहीं है, और साथ ही साथ जो है उसका रिजल्ट निकलवाना मीडिया का काम नहीं है। ये काम इदारों का है, ये काम आपके हुक्मरानों का है जिनको आपने मुंतखब किया है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम आपको खबर पहुंचा दें, उसके बाद बाकी पीछे हम हट के बैठ जाए। हम लोग बंदूक लेके या माइक को बंदूक समझ के जाके किसी की कनपट्टी पे रख के किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकलवा दे, ये हमारा किरदार या हमारी ऑक्यूपेशन नहीं कहती। यहाँ पे बात कीजिएगा। नहीं, मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा, जो मीडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो ये भी देखा जाए कि जो रेंजर्स वालों ने उस बेगुनाह शख्स को गोली मारी थी, कि जो एक झूठा जाली वाकया था, उसको किसने एक्सपोज किया? मीडिया ने एक्सपोज किया। मीडिया एक्सपोज नहीं करता तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को कैसे पता चलता उन लोगों की बदमाशियां? दूसरी बात, सियालकोट में दो लड़कों का वाकया हुआ, उन लोगों को किस तरीके से मारा गया, किसने एक्सपोज किया? मीडिया ने एक्सपोज किया। हमारे मसाइल अगर मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा तो इसी तरीके से हमें मारा जाएगा, रेंजर्स के हाथों, पुलिस वालों के हाथों, हुकूमत के हाथों। तो मीडिया तो हमारी पावर है, आप मीडिया को कमजोर ना कहें, मीडिया तो हमारा सपोर्टर है सबसे बड़ा। मीडिया वो अब आपने जैसे कहा अभी पुलिस वाले थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराने कुछ नहीं कर रहा, आप मीडिया की पावर यूज करके आप अपना काम करवा सकते हैं। आपके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है आप मीडिया से रब्ता करें, वो आपकी खबर को एक्सपोज करेंगे, आपका केस हाईकोर्ट तक में जाएगा तो वो मीडिया वाले आपके साथ होंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपको देखिए। अब ये बात की अपने मुजरिमों की, रेंजर्स वाले जिस शख्स ने मारा था आज उसको सजा हुई कि नहीं हुई है? अदालत में उसके ऊपर केस चले नहीं चला, इसमें किसका क्रेडिट जाता है? टोटली क्रेडिट मीडिया का जाता है, इसमें तालियां होनी। और दूसरी बात की तरफ आ रहा हूं, ये तो एक केस था जो आप लोगों को पता चल गया, आप सोचिए ऐसे दर्जनों कितने केसेस होते हैं हमारे गाँव में, अंदरूनी सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जो पता नहीं चलते उनको भी एक्सपोज मीडिया करता है। अभी भी आप देख लीजिए अंदरूने गांव के सिंध की कितनी आपके पास डिटेल पंजाब की आती है, किस तरह के जुर्म मजालिम की तस्वीरें, वो कौन उठा रहा है? वो मीडिया तो उठा रहा है भाई, हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि पंजाब के फला चक नंबर के फला गांव में क्या हुआ क्या हुआ, उसको कौन एक्सपोज कर रहा है? उसको मीडिया एक्सपोज कर रहा है, तो उसमें आपको मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए। ठीक, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, 64 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान की आज़ादी को, कितना समझते हैं? लेकिन पाकिस्तान अब मसाइलिस्तान बनता जा रहा है, बोहरानों का शिकार है, एक आम आदमी पिसता जा रहा है, जमहूरियत का राग अलापने वाले आज जमहूरी हुकूमत आ गई है, 4 साल तकरीबन पूरे हो चुके हैं, कितना हद तक आप मुतमईन पा रहे हैं इस तमाम सूरत हाल में अपने आप? देखिए
देखिए बात ये है कि कितने ही साल गुजर गए लेकिन सियासतदान तो दो ही चल रहे हैं ना, तीसरे की तो बारी नहीं आ रही। एक छोड़ता है दूसरा ले लेता है, दूसरा छोड़ता है तीसरा ले लेता है। यहाँ आवाम को समझना चाहिए कि बंदे को चेंज करना चाहिए। अगर चेंज होगा, आप जैसे नए सियासतदान हैं, इमरान खान हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं या कोई और, आप देखे तो देखें तो पता चलेगा ना। अब तो ये होता है कि एक दो इनके अलावा तो पता ही नहीं आ रहा। तो अल्ताफ हुसैन साहब की जमात भी हुकूमत में ही है गुज़िश्ता कई सालों से, उन्होंने क्या तब्दीलियां ले आए वो लोग? देखें हुकूमत में होना और हुकूमत करना ये दो अलग बातें। अभी वो सिर्फ कराची से कर रहे हैं या साथ हैं, मेन पावर उनके हाथ में नहीं है। अब जिस तरह दो पार्टियों के हाथ में पावर रहती है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के पास है, जरदारी साहब के पास है, ये कुछ कर सकते हैं लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जमहूरी निज़ाम है, फिर उसके बाद सूबाई इख्तियारात दिए आगे चले जाते हैं, और उसके बाद फिर अगर चले कराची के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता तीन सालों के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जो भी आपकी मुंतखब जमातें हों, मुआशी तौर पर इस मुल्क इस शहर को कितना मजबूत बना दिया आपने? देखिए बात वही आ जाएगी कि पावर की। अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है लेकिन सिंध में उसका पूरा पावर नहीं है, बहुत सी चीजें कराची हाथ में है नहीं। कराची की बात करते हैं, कराची में अगर पावर, कराची को मुआशी तौर पर कितना मजबूत बना दिया? देखें जब कराची में उनकी पावर नाजिम के हवाले से थी तो नाजिम के हवाले से उन्होंने डिलीवर किया, लेकिन जहाँ तक मुआशी करने की बात है तो फिर पावर की बात आ जाए। सारी मिनिस्ट्रियाँ उनके पास नहीं है, जो मिनिस्ट्री होती है उसका वो कर सकते हैं, बैंड लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, हुकूमत से अलग होना पड़ जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं वो हुकूमत में बैठी हुई है मगर उनके पास पावर नहीं है? नहीं, इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा डिलीवर कर सके। जितनी होती है वो कर देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। मेरा कहने का मकसद ये है कि 64 साल को गिन रहे हैं ना हम तो, कि पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की। तो मेन पावर तो वज़ीर आज़म है ना, अगर वज़ीर आज़म सदर अगर ये लोग चाहें तो तरक्की होगी ना। अब दूसरी बार इनकी बारी नहीं आती है। अब देखें जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तीसरे की बारी नहीं है। इमरान खान आ जाए, मुझे इसमें वो नहीं है कि मैं अल्ताफ भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान खान आ जाए, मतलब कोई नया बंदा आए जिससे पता चले कि कोई डिलीवर कर सकता है। सही है ना, ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए ना, मिडिल क्लास से आए। 10 साल आपके पास जमहूरी मतलब के देखे थे हमने, 1990 से लेके 1998 तक, लेकिन आप ये देखिए हर हुकूमत दो दो ढाई ढाई साल के लिए थी। 88 से आप देख लेना कि 88 में अगर बेनजीर की गवर्नमेंट आई थी, बेनजीर 2 दिसंबर 88 को वज़ीर-ए-आज़म बनी थी, 6 अगस्त 1990 को उसको डिसमिस कर दिया। देन इसके बाद इलेक्शन हुए 1990 में, नवाज शरीफ साहब हुए, 1993 में उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर बेनजीर आई 1996 में उनको डिसमिस कर दिया, फिर नवाज शरीफ आए तो 2 से 3 साल। अच्छा सर, अब अगर यही मवाजना हम करते ना, हम मॉडल फॉलो करते हैं कि हम अमेरिका का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जमहूरी हुकूमत को जो है या जमहूरियत को ज्यादातर मगरबी ममालिक से तशबीह दी जाती है, वहाँ पे जो है जो दौर होता है ना वो 4 साल का होता है मैक्सिमम, जिसमें से 3.5 साल के बाद ही जो ना आपकी जोड़ तो शुरू होती है, केयरटेकर गवर्नमेंट के आने की बातचीत शुरू होती है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लग जाते हैं, वहाँ पे जो है सनहतें चल पड़ती हैं, वहाँ पे सब कुछ आगे निकल जाता है। यहाँ पे अगर दो तीन साल भी हो, ठीक है, उसके बावजूद क्या किया जमहूरियत? देखिए मैं आपको इसमें मिसाल दूँ, वहाँ पे एक सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वहाँ पे वो करप्शन नहीं है जो हमारे यहाँ है। जब 2002 की बात बताऊं तो सदर परवेज मुशरफ ने दावत दी थी पूरी दुनिया के ज़राए अब्लाग के मीडिया को कि आप आएँ और हमारे 2002 का 10 अक्टूबर का इलेक्शन देखिए, आपको पता चलेगा हम कितने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाते हैं। जो बाहर से गोरे आए थे वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे, वो लाड़काना गए, वो चारसद्दा गए, वो नारोवाल गए, वो पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के उन इलाकों में गए जहाँ पर धांधली होती थी। और अब सुनिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ जाके मिसाल ये देखी है कि आपने गाँव के वडेरे को खरीद लिया, गांव का पूरा वोट आपका है, अब वो गरीब किसान जो है वो उस वटेरे के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, वोट उसके खिलाफ देगा वो गांव से बाहर हो जाएगा। तो आपके पास इस वक्त 67.5% जो आपका जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो तो रूरल है, गांव के रहने वाले, उन गांव के रहने वालों के वोट की वजह से हमारे यहाँ जो है हुक्मरान मुंतखब होते हैं, शहरों की वजह से नहीं होते। शहरों के तनासब से 35% है। सही है, तो असल प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे गरीब किसान या गरीब मजदूर वो लोग गाँव वाले जो पिसे हुए हैं वटेरों और जागीरदारों के अंडर में, वो लोग उनके खिलाफ वोट नहीं दे सकते। आप देख लीजिए जब भी पुश्ती से लाड़काना में एक ही पार्टी जीतती आई है, क्या और कोई जीत सकती है? बेनजीर भुट्टो का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 98% इलेक्टोरल वोट्स उसने हासिल किए, कोई और नहीं दे सकता, इट्स इम्पॉसिबल। एक वक्फा शामिल करेंगे, आप देखते रहिए मांग रहा है पाकिस्तान।